नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फ्रेंच बीन की वैज्ञानिक विधि से खेती बताने जा रहा हूं। इसमें आपको हमारे चैनल एग्री अकादमी पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि लेग्यूम क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, और जितने भी लेग्यूम्स पाए जाते हैं उनका विवरण इस स्लाइड में दिखाया गया है। इसमें ये लेग्यूम क्रॉप्स हैं और बीन क्रॉप, ये दूसरी पल्स क्रॉप हैं, जिसमें ब्रॉड बीन, क्लस्टर बीन, काउ बीन, फ्रेंच बीन, हाइंटस बीन, सेम, सोयाबीन, वेजिटेबल बीन, विंग बीन, इस तरह से ये बहुत सारी प्रजाति हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और पल्सिस क्रॉप में आपकी फील्ड क्रॉप, ग्राम, मूंग बीन, ब्लैक बीन, पिजन बीन, ये सब आते हैं। जैसे आप फ्रेंच बीन पौधे के विषय में आप जानते हैं कि ये इसमें तीन प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, परमित, अपरमित, अल्परमित। वृद्धि वाले एक वर्षीय शाकी पौधा है। ये फेबेसी कुल का महत्वपूर्ण फसल है और इसमें प्राथमिक जड़ें होती हैं, परंतु जड़ों के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया नहीं पाए जाते या बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने की आवश्यकता पड़ती है। यह स्वयं परागित फसल है। इसका तना कमजोर होता है और इसमें दो प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो आरोही जिनको पोल टाइप कहते हैं, और एक जो है बुश या झाड़ी नुमा होती है जिनकी कम शाखाएँ होती हैं, झाड़ी वाले में अधिक शाखाएँ होती हैं, और ये पाला और तापमान के लिए अति सहिष्णु हैं। फ्रेंचबीन की खेती मुलायम कच्ची फलियों के लिए और दानों के लिए की जाती है। पके हुए दानों को हम राजमा के रूप में खाते हैं। फ्रेंचबीन का वांस में फेजुलस बुलगेरिस, यह फेबेसी कुल का पौधा है, जिसमें क्रोमोसोम में गुण सूत्र की संख्या 22 पाई जाती है, और इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका मुख्य केंद्र है। प्राथमिक केंद्र दक्षिण मेक्सिको में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और वहाँ का जो क्षेत्र है मध्य अमेरिका का उसमें, और द्वितीय केंद्र इसका दक्षिण अमेरिका का पेरू, इक्वाडोर और बोलिविया क्षेत्र है, जहाँ पर इसकी वाइल्ड प्रजातियाँ बहुत मिलती हैं और वहीं से इसका सिलेक्शन हुआ। इसका बाद में यूरोप में विस्तार हुआ अमेरिकी व्यापारियों के द्वारा, और यूरोप से एशिया के देशों में फैला, और इसमें भारत की खेती उत्तरी एवं दक्षिण क्षेत्रों में की जाती है। उत्तरी भारत में इसकी दो फसलें उगाई जाती हैं और दक्षिण भारत में इसे वर्ष भर उगाया जा सकता है, यदि सामान इसके लिए तापमान उचित और वर्षा मिलती रहे। फ्रेंचबीन की उत्पत्ति एक जंगली पौधे से हुई है, जिसको फेजुलस एवर्जिनियस कहते हैं। फेजुलस बुल्गेरिस ये स्वयं परागण वाली फसल है, जिसका फूल मटर जैसे फूल होता है छोटा, और फेजुलस कॉक्सिनियस, फेजुलस लोनेटस एंड फेजुलस एक्टिफोलियस, ये इसकी अन्य प्रजातियाँ हैं जो वाइल्ड रूप में पाई जाती हैं, और कहीं कहीं पर इनको उगाया भी जाता है। फ्रेंचबीन के विभिन्न नाम विभिन्न भाषाओं में दिए गए हैं, और इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें फ्रेंच बीन, फ्रास बीन, किडनी बीन, टेरीगोट बीन, रनर बीन, नेपी बीन सिस्टम, गार्डन बीन, फ्रेश बीन, हाइड्री बीन, और राजमा। सीड को सीड पका के खाया जाता है, इसको राजमा खाया जाता है। इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए डिब्बाबंदियों के रूप में, और फ्रोजन इनको शीतलीकरण के बाद रखा जाता है, ऑक्सीजन में इसको फिर यूज़ किया जाता है। सूखे दालों को सुखा करके उसका राजमा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फलियों को डिहाइड्रेट करके रखा जाता है और इसको ब्लांचिंग करके भी खाया जाता है। फलियों में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस टेबल में आपको दिखाया गया कि 100 ग्राम खाने योग्य भाग में कितना नमी, कितनी प्रोटीन पाई जाती है, उसका फलियों का ये दिखाया गया है। इसमें 2.72% प्रोटीन होती है, और रेशा इसमें 1.8% होता है, और कार्बो 4.5% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें पोटेशियम, तांबा, गंधक, विटामिन ए, B1, B2, विटामिन सी सबसे अधिक 11 मिलीग्राम पाई जाती है, और विटामिन ए 22.1 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट के रूप में इसमें मिलता है। कहने का मतलब है कि खाने के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, और खनिज लवण भी इसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है ये दाने के अंदर, इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन के बाद में विंग्ड बीन, और विंग्ड बीन के बाद में फ्रेंच बीन। सोयाबीन में 43-44% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि विंग्ड बीन में 22-25% होती है, और फ्रेंच बीन में 20-22% पाई जाती है, तो इसलिए इसको प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। बाकी इसमें दिया हुआ है एरिया और क्षेत्रफल के हिसाब से 2013-14 में 137.54 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती गई, जिससे उत्पादन
1370.21 मीट्रिक टन हुआ, जिसकी उत्पादकता 9.96 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो 2014-15 में इसका क्षेत्रफल 218,000 हेक्टेयर और 2204,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जिसकी उत्पादक दर 2.11 थी। इस तरह से 15-16 में इसका एरिया और क्षेत्रफल इसमें उत्पादकता 9.83 दर्शाई गई है, और ये NHB 2015 का डेटा है। वृद्धि के हिसाब से इसमें दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, परमिट और अपरमिट। परमिट कहते हैं बुश टाइप या झाड़ी वाली प्रजातियां, झाड़ीनुमा या बोनी किस्में, और एक अपरमिट वृद्धि वाली, जिसमें कंटिन्यूस वृद्धि होती रहती है, आरोही टाइप के होते हैं, और इनको पोल टाइप भी कहते हैं। इसके अंदर ये बहुत सारी प्रजातियाँ आपको दिखाई गई हैं, जिसमें कंटेंडर, पूसा, पार्वती, पंतल, कुमापन, मिंटू, फुले, सुरेखा, ये सब प्रजातियाँ हैं जिनको बुश टाइप की हैं। और इसमें अपरमिट वाली जो पोल टाइप की है, पूसा हिमलता, विपासा, प्रिया, कैंचुकी वंडर, टीके, ऊटी वन, ये सब इसकी प्रजातियाँ हैं। परमित वृद्धि की प्रजातियों को इसमें तीन तरह की प्रकार की फलियाँ पाई जाती हैं, चपटी, गोल और अंडाकार, जिसके अलग अलग प्रजातियों को दर्शाया गया है। और जो पोल टाइप की या लता वाली हैं, इसमें मैंने पहले आपको बताया कैंची क्विंटर, ब्लैक लेक, फिनोमिल लॉन्ग, पूसा हिमलता, इसके अतिरिक्त EC38913 और BL11 आदि प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। फ्रांसबीन की प्रजातियों का विवरण इस तालिका में दिखाया गया है, कहाँ से ये आपको मिल सकती है, इसकी वृद्धि कैसी होती है, फल का आकार कितना होता है, फल की लंबाई कितनी होती है, और फलियों की चौड़ाई कब की जाती है। अमूमन बीज बोने के 55 से 65 दिन में प्रजाति के अनुसार फलियाँ तोड़ने हो जाती हैं, और फलियों की उपज दर्शाई गई है। तो इस टेबल में पूरा डेटा दिया हुआ है। इस टेबल में बताया गया है कि जो प्रजातियाँ उसी का कंटिन्यूस है, जो पोल टाइप की हैं उनके स्रोत, वृद्धि, फल का आकार, फलियों की चौड़ाई और उनकी उपज इस टेबल में दिखाई गई है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, ऊटी वन को सबसे ज़्यादा पैदावार दिखाई गई है, 280 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और पूसा हिमलता की 200 से 250 कुंटल। लेकिन ये ठंडे इलाके में ही अच्छी होती हैं, ग्रीष्मकाल में ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। बुश टाइप की हैं, पहाड़ों के लिए कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं इनको कि आप उगा सकते हैं, इसमें दिखाई गई हैं YCD1, OT1, OT2, अर्का कोमल, सेलेक्शन 9, प्राइमर, अर्का बोल्ड, अर्का संपूर्णा एम, अर्का कार्तिकी, बहुत बहुत प्रचलित वैरायटी हैं। और मैदानी इलाकों के लिए अर्का कोमल, प्राइमर, अर्का सुविधा, अर्का अनुपम, पंत अनुपमा, पंत बीन 2, अर्का समृद्धि, अर्का सुमन, ये कल्टिवेशन में चल रही हैं, किसान लोग इसको उगा रहे हैं। और पोल टाइप वैरायटी में KD1, KKL1, OT1, ये कुछ प्रजातियां हैं जो आपको दिखाई गए यहाँ पर। अब बात आती है कि इसकी खेती के लिए किस तरह की भूमि होनी चाहिए। उत्तरी भारत में हम इसकी दो फसल लेते हैं, एक शीतकालीन फसल और एक ग्रीष्मकालीन फसल या बसंतकालीन फसल। तो जो शीतकालीन फसल ली जाती है उसके बलुई दुमट या दुमट भूमि अच्छी होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र या जल भराव वाली भूमि इसके ये अच्छी नहीं होती है। क्योंकि यदि इसका ऐसा भी पाया गया है कि यदि बीज बोने के बाद वर्षा हो जाती है तो बीज का जमाव बहुत कम होता है। तो उत्तम भूमि इसमें दोमट या बलुई दोमट होती है, जिसमें अच्छा जल निकास होना चाहिए और पानी उसमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, और भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच में होना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए 1-2 गहरी जुताई करें, 3-4 बार हैरो पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें, और उसके बाद में उसमें हल्का सा ढलान रखते हुए खेत में उचित जल की व्यवस्था करते हुए सिंचाई के अनुसार छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें और उसके बाद उसमें बुआई करें। जलवायु के हिसाब से शीतकालीन कुछ प्रजातियाँ ये इसमें दिवस उदासीन भी पाई जाती हैं, और इसको 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम पाया गया है। बीज अंकुरण यह तापमान 15 से कम हो जाए और तापमान 25 से अधिक हो जाता है तो परागण क्रिया प्रभावित होती है। अनुकूल तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस पाया गया है, और इससे कम या अधिक होने पर
उसकी वृद्धि और विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 15 से कम तापमान अंकुर नहीं होता है और 25 से ज़्यादा होने पर परागण क्रिया प्रभावित होती है, जिससे उसमें फल नहीं बनते हैं और फूल सूख जाते हैं। भूमि का तापमान अंकुरण के लिए 15 से 25 के बीच में होना चाहिए। यदि इससे कम तापमान होगा तो बीज का जमाव ठीक से नहीं होता है। खाद और उर्वरक, गोबर की खाद, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है कि दलहनी फसल होते हुए भी इसके जड़ों में राज्यों में बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, तो इसमें अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए गोबर की खाद 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर बुआई से 20-25 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से मिला दें और उसके बाद खेत की जुताई करें। और नाइट्रोजन 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके लिए संस्तुत की जाती है। औसतन 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एंड 60 किलोग्राम पोटास इसके लिए की जाती है। ये सामान्य प्रकार की भूमि है। वैसे तो अगर मृदा का परीक्षण करा लें और परीक्षण के अनुसार इन उर्वरकों को देते हैं तो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा, लेकिन यदि भूमि की आपने जांच नहीं कराई है तो इसमें बताई गई मात्रा के अनुसार आप इसको यूज कर प्रयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बोरेक्स 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर डालते हैं तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। और इसमें से आधी नाइट्रोजन, संपूर्ण फास्फोरस, पोटास और जिंक और बोरेक्स को एक साथ मिला करके बुआई से 3-4 दिन पहले खेत में डाल करके उसकी जुताई कर दीजिए। और जुताई करने के बाद जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको खेत जब बीज बो देते हैं उसके 30-35 दिन की अवस्था पर 1/4 भाग और 1/4 भाग उसके 40-45 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में टॉप रेंज के रूप में देना चाहिए। यदि उसके बाद भी देखते हैं कि आपकी फसल कमज़ोर दिखाई दे रही है तो आप 2% यूरिया का घोल बना करके फूल आने की अवस्था पर अगर छिड़काव कर देते हैं तो उससे फलियों की पैदावार अच्छी होती है और फसल स्वस्थ रहती है। मैदानी क्षेत्रों में बोनी और ये कोल टाइप दोनों पाई जाती हैं। बीज की मात्रा कितनी लगेगी, तो जो परमित या बोनी किस्में हैं उसमें 80 से 100 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है और जो पोल टाइप की हैं उसमें 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में भी यही 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर झाड़ी वाली या बोनी किस्मों की और 25 से 30 किलोग्राम पोल टाइप की प्रजातियों की बीज की आवश्यकता होती है। उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्रों में शरदकालीन फसल की बुआई मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक कर सकते हैं और वसंतकालीन फसल की मध्य जनवरी से फरवरी अंत तक कर सकते हैं। तराई क्षेत्रों में ऐसा पाया गया है कि शरदकालीन फसल की बुआई 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सबसे अच्छी पाई गई है और वसंतकालीन फसल लेने के लिए 25 जनवरी अंत से लेकर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। भावर के इलाकों में इसकी बुआई मैदानी क्षेत्रों की भांति करनी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों में वसंतकालीन फसल ली जाती है जिसकी बुआई मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में बीज बोने की दूरी, जो बोनी किस्में हैं वो उनके पौधे काफ़ी झाड़ीनुमा हो जाते हैं, इसलिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। और जो पोल टाइप प्रजातियाँ हैं उनमें कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और बसंतकालीन फसल में इनकी परमित जो किस्में होती हैं झाड़ी वाली उनमें 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 8 से 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रखी जाती है। और पोल टाइप में इसकी 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाते हैं और कतारों में 30 सेंटीमीटर दूरी पर बीज की बुआई करते हैं। तो इस प्रकार से बीज की बुआई कितनी दूरी पर करी जाए और उसमें कितनी दूरी पर बीज रखा जाए इसकी जांच कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बीज बीने की दूरी वसंतकालीन में केवल एक ही फसल वो लेते हैं और क्योंकि तापमान के हिसाब से कम तापमान पर इसकी फसल नहीं होती है, ज़्यादा तापमान पर भी नहीं होती है। तो जो पौनी किस्में हैं उनको 60 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बनाएं और कतारों में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई कर देते हैं। और जो पोल टाइप प्रजातियाँ हैं उनकी 90 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बता दें और कतारों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीज से दूसरी बीज की दूरी रखी जाती है। और मित्रों जो पोल टाइप प्रजातियाँ हैं जो पौधे जम जाते हैं तो उनको सहारा देने के लिए लकड़ी के खम्भे या पेड़ की टहनियाँ बीच में लगाई जाती हैं, उनके ऊपर उनको पेड़ों को चढ़ाया जाता है।
बोने से पहले इतना आवश्यक है कि जो भी आप बीज बोते हैं, बीज को बोने से पहले कवकनाशी दवा कैप्टान या थायराम से अवश्य उपचारित कर लेना चाहिए और उपचार करने के बाद में बोना चाहिए। अब चूंकि ये दलहनी फसल होते हुए भी राइजोबियम नहीं है, तो राइजोबियम कल्चर से यदि इस बीज का उपचार करके आप बोएंगे तो उससे बीज का जमाव भी अच्छा होता है और पौधे भी अच्छे होते हैं। महाराज बीज में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसमें आया गया है कि 18 इंच पानी की ग्रीष्मकाल में आवश्यकता होती है। कहने का मतलब 5-6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें एक सिंचाई प्लेबैक के रूप में अवश्य होनी चाहिए। यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो नमी संचित करने के लिए, यदि नमी नहीं होगी तो बीज का अंकुरण ठीक से नहीं होगा, इसलिए एक सिंचाई प्लेबैक के रूप में करें और बाकी सिंचाइयाँ मौसम के अनुसार और भूमि के अनुसार करनी चाहिए। इसमें जो 30 सिंचाई बीज बोने के 15-20 दिन की अवस्था पर और 30 सिंचाई 35-40 दिन की अवस्था पर खरीफ फसल में कर सकते हैं, और एक सिंचाई पुष्प आते समय हल्की सिंचाई अवश्य ही करनी चाहिए। यदि ज़्यादा पानी नहीं उपलब्ध है तो छिड़काव विधि के द्वारा भी इसको किया जा सकता है, और अन्य सिंचाइयाँ मौसम और मृदा के अनुसार कर सकते हैं। ग्रीष्मकाल में 7-8 दिन के अंतराल पर, शीतकाल में 10-12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अधिक सिंचाई इसकी फसल के लिए हानिकारक है। जैसा मैंने आपको बताया कि बीज बोने के बाद यदि वर्षा तेज हो जाती है और पानी खेत में रुका रह गया तो उस बीज का अंकुरण बहुत कम हो जाता है, बीज जमता नहीं। अब खरपतवारों से कितनी हानि होती है, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है कि बीन्स की फसल में 30% हानि हो जाती है यदि आप उसमें निराई गुड़ाई समय से नहीं करते हैं, खरपतवारों को नहीं रोकते हैं। तो अगर आपको अच्छी फसल लेनी है तो बीज बोने के बाद कम से कम 45 दिन तक जितनी भी सब्जी की फसल में, चाहे रुपाई वाली फसलें हों चाहे बीज वाली फसलें हों, 45 दिन तक खेत को खरपतवारों से फ्री रखना चाहिए, खरपतवार नहीं होने चाहिए। इसमें 2-3 बार निराई गुड़ाई करके और मिट्टी चढ़ा करके आप अपने खेत को खरपतवारों से बचा सकते हैं। और खरपतवारों को अगर यदि आप हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं, खेत ज़्यादा लगाना है आपको या आपके पास मजदूरों की समस्या है, तो आप जो है खरपतवार नाशी दवा लासो 2.5 किलोग्राम सक्रिय अभ्यर्थ 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके इसका आप बीज बोने के बाद उगने से पहले छिड़काव कर सकते हैं, और उसके बाद 40-45 दिन की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई कर देते हैं तो इससे खरपतवारों को रोका जा सकता है। इसके अलावा वासालीन और स्टाम्प दवा भी है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है अपरिमित प्रजातियाँ जो होती हैं वो बहुत ही कमज़ोर या आरोही टाइप की होती हैं और उनको सहारा देने की आवश्यकता होती है। यदि आपने उनको सहारा नहीं दिया तो वो ठीक से नहीं बढ़ेंगी, इसलिए उनको सहारा देने की बहुत आवश्यकता है। और इनको सहारा देने के लिए है कि आप खेत में पोल गाड़ें, उसके किनारे भी बोएं या बीच में रस्सी बांध करके और पौधों को फिर रस्सी के साथ चढ़ाएं, जैसे टमाटर में करते हैं तो उस तरह से, और हल्की सी मिट्टी भी पौधों की जड़ों पर चढ़ा देते हैं तो उससे जो पोल वाली प्रजातियाँ हैं उनको गिरने का डर खत्म हो जाता है। अब बात आती है फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में आप जानते हैं कि इसमें चूर्ण राशिता, असाई, तना अंगमारी, पर्ण धब्बा, वृक्ष रोग, फ्यूजेरियम मिलानी, बिल्ट, बैक्टीरियल बिल्ट, स्कूटनिया, गेरुई या रस्ट आदि, कॉमन बीन मोज़ेक वायरस बहुत सारी, और इसके अतिरिक्त नेमेटोड या मूल जंत रोग, ये सब बीमारियाँ इसमें लगती हैं। इनके आप सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं इसमें। चूर्ण राशिता के लिए आप कैराथेन 6 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। और असाई अंगमारी है, इसमें बीज उपचार थायराम या कैप्टान से 2-3 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। जितना आपका बीज लगता है उस बीज के अनुसार आप उसकी दवा मिला करके उसका उपचार करें, उपचार करने के बाद तब। और राइजोम कल्चर से जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो राइजोम कल्चर आप ले लें और उसको बीज में पहले हल्का बीज को पानी से या 0.2% चीनी के घोल बना करके, गुड़ का घोल बना के उसमें बीज को भिगो दीजिए और उसके बाद राइजोम उसके ऊपर छिड़क करके और उसके बाद फिर छाया में सुखा दीजिए, और छाया में सुखाने के बाद फिर उसकी बुवाई करिए तो उसका अंकुरण अच्छा होता है। पर्ण धब्बा रोग से बचाने और वृक्ष रोग से बचाने के लिए आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड दवा 0.25% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। फ्यूजेरियम बिल्ट जो बीमारी है, इसमें भी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की दवा का छिड़काव करके आप उसकी बचा सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको बीज की बुआई में हेर फेर करना पड़ेगा, इसमें अक्टूबर नवंबर में
पर हम सप्ताह में अगर बुआई करते हैं तो फ्यूजन वृक्ष कम लगते हैं, और जहाँ जीवाणु वृक्ष लगती है वहाँ पर कापर ऑक्सीक्लोराइड और इसी के साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन दवा 2 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में, और इसका 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके इस रेशियो में आप घोल बनाइए, और घोल का 15 दिन के अंतर से 2-3 बार छिड़काव कर देते हैं तो इससे बचाया जा सकता है। और इसमें आपको एक आध पौधा अगर कहीं दिखाई देता है तो पौधे को सावधानी पूर्वक खेत से उखाड़ें, और उखाड़ने के बाद खेत से बाहर करें, तो इस तरह से आप इससे बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त गेरू है, गेरू से बचने के लिए आपको थायराम कैप्टान से बीज को उपचार करके बोना चाहिए, और जब आपको कहीं पौधे की पत्तियां हल्की पीली दिखाई देती हैं तो उस समय अगर उस पर दवा छिड़कें, डाइथेनम 45 या जिनेब के नाम से दवा आती है, मैंने को ये कई नामों से आती है, 0.25% का घोल बना करके उसका 15 दिन के अंतर से 2-3 बार छिड़काव कर देते हैं तो आप घरेलू रोग से अपनी फसल को बचाएं। कॉमन बीन मुझे एक वायरस ये रस चूसने वाले कीड़ों से होता है, तो इसको मारने के लिए आप उन कीड़ों का रोकथाम करें, और उसके लिए मेटासिस्टर या एमिडा क्लोरपेड या मेलाथियान 0.1% का घोल बना करके इसका छिड़काव कर देते हैं तो कॉमन बीन मोज़ेक वायरस से आपको बचा सकते हैं। इसको फैलाने वाले माहू और सफ़ेद मक्खी और जैसीड होते हैं। मूल गंती रोकने के लिए इसमें आपको नीमैक्स दवा या नीम की खली 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या लकड़ी का बुराला 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल देंगे तो उससे आपको इस नीम रोग से बचा सकता है। अब बात आती है मतलब कीटों की, तो कीड़ों में सबसे पहला जो कीट लगता है बोने के बाद जो खेत में नुकसान करता है सबसे ज़्यादा कुतरा कीट या कटवर्म कहते हैं। इसके लिए आपको ज़मीन में फिरोडॉन दवा 20 से 25 किलोग्राम या थीमेट 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं तो इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये दोनों में से कोई दवा नहीं मिलती है तो क्लोरीफायर दवा आती है 0.2% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो इससे बचा जा सकता है। माहू को मारने के लिए आप मेटासिस्टॉक दवा 0.1% का घोल बना करके, या सिंपली आपको कुछ नहीं मिलता है तो 2 से 3 ग्राम सर्फ पाउडर जो होता है कपड़ा धोने वाला उसी का आप घोल करके घोल को छिड़क देते हैं तो माहू मर जाता है। सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए आप मेटासिस्टॉक का 0.1% का घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं तो इससे बचा, क्योंकि ये माहू सफ़ेद मक्खी ये सब और थ्रिप्स ये सब रस चूसने वाले कीड़े हैं, और इनसे जो है एक पौधे से अगर दूसरे पौधे में फैलते हैं तो विषाणुओं को फैला देते हैं वायरस बीमारी, तो इसलिए इनका रोकथाम करना समय से बहुत आवश्यक है। फली भेदक कीटे कभी कभी आपने देखा होगा फलियों में कीटा लग जाता है, लेकिन किसान भाई हमारे दवा बाद में छिड़कते हैं। इसका जब फूल आने की अवस्था होती है और फूल कलियाँ खिलती नहीं हैं उस समय एक छिड़काव आप सेविन दवा या मेलाथियान या एमिडा क्लोरपीड 0.1% का घोल छिड़काव कर देते हैं, और उसके बाद फिर 10 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर देते हैं तो इस कीड़े से बचा जा सकता है। थ्रिप्स बहुत छोटे कीड़े होते हैं, इसका भी कंट्रोल आप भिंडी में जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ आप मेटासिस्टॉक या मेलाथियान दवा 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव करेंगे तो इससे आप थ्रिप्स से बचा सकता है। एक कीड़ा लगता है बीन बीटिल जो पत्तियों को कुतर के खाता है, इससे बचाव के लिए सेविन दवा क्लिक्स कार्बोराइल या एमिडा क्लोरपीड 0.2% का घोल बना के छिड़काव करें और 10 दिन के अंतर से तो आप अपनी इस कीड़े से फसल को बचा सकते हैं। पुष्पन एवं फलत का समय क्या होता है, बीज बोने के लगभग 30-35 दिन के बाद में इसमें फूल आना शुरू कर देते हैं, और 50-55 की अवस्था पर पहुँचते प्रजाति के अनुसार ये कहीं किसी प्रजाति में 65 दिन तक फलियाँ तोड़ने योग्य हो जाती हैं, और ये निर्भर करता है आपके मौसम के ऊपर भी। बीज इसमें 110 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाता है। फलों की चौड़ाई का ये दिखाया गया है कि ये जो बसंत काल की फसल है जो पोल टाइप है परमिट, इसमें 55 से 60 दिन चौड़ाई शुरू कर देते हैं, और इसकी ऊपर 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है औस्तन, और बीज के ऊपर 10 से 12 क्विंटल होती है। और जो आपकी बोनी किस्में हैं बोनी किस्मों में 55 से 60 दिन की अवस्था पर उसमें फलों की तुड़ाई कर सकते हैं फलियों की, और 70 से 80 क्विंटल इसकी फलियों की पैदावार होती है और 18 से 20 क्विंटल बीज की पैदावार होती है। शीतकालीन फसल में बोनी फसलें जो हैं 60 से 65 दिन की अवस्था पर तुड़ाई करके कच्ची फलियों की पैदावार लेके 60 से 70 क्विंटल आप प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं, और 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी बीज की पैदावार हो जाती है। पोल टाइप हो जाती हैं 40 से 50 क्विंटल फलियों की पैदावार देती है,
और 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की पैदावार देती है। अब आती है यदि कोई किसान भाई बीज की ये फसल लगा रहा है तो उसका पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका फसल का निरीक्षण कराना पड़ता है और इसका निरीक्षण 3 बार किया जाता है, पौधा वृद्धि के समय उसके पौधे के रंग रूप आकार उसको देख करके कैसा रंग है, उसके बाद पुष्पन के समय फूल किस टाइप के आ रहे हैं उसमें, क्योंकि फूल में ज़्यादातर सफ़ेद रंग होते हैं, अगर उसमें कुछ भिन्नता पाती है तो उन पौधों को निकाल के अलग कर देते हैं, और फल बनते समय क्योंकि इसे मैं जैसे मैंने आप ही आपको बताया था कि फलियाँ चपटी गोल और अंडाकार होती हैं, उसके अनुसार ही उन प्रजाति के जो आपने लगा रखी है उसके फल किस टाइप के हैं उसके अनुसार फलों को पौधों को छोड़ा जाता है, और जो विपरीत पौधे मिलते हैं वांछित पौधों को उखाड़ के खेत से दूर कर जाते हैं। और तीसरा कटाई से पूर्व एक निरीक्षण करना आवश्यक होता है, पकते समय उनका रंग किस तरह का है और उसमें दाने का जो रंग है वो किस तरह का है, तो ये कटाई से पूर्व उसका निरीक्षण करें, और कोई भी पौधा यदि आपको अवांछनीय या दूसरा मिलता है तो उसे काट के अलग कर दें। अब है ये प्रतिशत के मानक हैं, अवांछनीय पौधे कितने प्रतिशत, आधारित बीज में 0.1%, प्रमाणित बीज में 0.2%, बीज जनित बीमारी से ग्रसित रोग हैं उसमें अधिकतम 0.1% और प्रमाणित बीज में 0.2%, पृथक्करण दूरी क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटरी क्रॉप है स्वयं परागण, तो आधारित बीज में 20 मीटर और प्रमाणित बीज में 10 मीटर की दूरी रखी जाती है, और खरपतवारों के पौधे अधिकतम संख्या में इसमें 0 फसल में खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीज उत्पादन के मानक क्या हैं, इसमें ये दिखाया गया है कि शुद्ध बीज में 98% होना चाहिए, आधारित बीज प्रमाणित बीज दोनों, और अशुद्ध पदार्थ या निष्क्रिय पदार्थ 2% हो सकता है, और खरपतवारों के बीज 0 बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अन्य फसलों के बीज अधिकतम 0, अन्य प्रजाति के पहचानने योग्य बीज जिनको कि आप रंग के आधार पर पहचान सकते हैं 0.1% और इसमें 0.5% तक हो सकते हैं, बीज का अंकुरण 75% रहे और बीज में नमी 9%, इसकी फसल जब पक जाती है तो फलियों को तोड़ करके सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद फिर इनकी फर्श पर पक्के फर्श पर मराई कर सकते हैं, डंडे से पीट के बीज निकाल सकते हैं, लेकिन बीज सुखाने के बाद उसमें नमी 9% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ प्रजातियाँ हैं जिनके गुण ये इसमें दिखाए गए हैं, 95 से निकाली गई है उसके इसमें गुण दिखाए गए हैं, इसके 95 के पौधे ये लगे हुए हैं, ये पंथबीन टू दूसरी प्रजाति है इसके गुण दिखाए गए हैं इसमें, इसकी पैदावार 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये इसकी फलियाँ हैं, ये दोनों पर्पज के लिए उपयोग होती है, बीज के लिए भी और फलियों के लिए भी। तीसरी एक प्रजाति है फ्रेंचबीन 3, इसमें नारंगी रंग के फूल आते हैं और उसकी पैदावार भी अच्छी है, ये काशीपरम IIBR से निकाली गई है बनारस से, इसके गुण इसमें दिए पौड़ी की फलियों की पैदावार 120 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और ये कॉमन बीज मुझे वायरस के लिए रेजिस्टेंट बताई गई है। ये फ्रेंच बीन की कुछ फलियाँ फ्लैट टाइप की, इस तरह की फलियाँ आप जो है तोड़ करके इनको फर्श पर सुखा के और फिर उनका बीज निकाल सकते हैं। ये ऊटी एक प्रजाति है जो कि उठकमन से निकाली गई है और उस क्षेत्र में ये अच्छी फसल देती है। ये ऊटी 2 ये वहाँ से उठकमन से निकाली गई है और इसकी पैदावार भी अच्छी है। अब अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आशा है आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, यदि आपका कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं, और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्री अकाडमी को सब्सक्राइब करें।